वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम डाजल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं एक स्टर्निंग लुक लेके आने वाली हूँ। सो दिस इज दैट। सो मैं आज क्रिएट करूंगी वो लुक एंड आई एम लुकिंग वेरी वियर्ड क्योंकि मैंने ब्लाउज पहनी है, ऊपर से टॉप पहनी है क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद, और ये जो साड़ी होने वाली है थोड़ा वेस्टर्न काइंड ऑफ होने वाली है। एंड आप आज जो मैं लुक क्रिएट करूंगी आप ये वेस्टर्न साड़ी के साथ कैरी कर सकते हो, आप ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, वॉट एवर कुर्ती के साथ भी कैरी कर सकते हो। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो टोटली अलग होगा उस वाली वीडियो से, टोटली लुक अलग होगा। वो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल लुक थी बट ये पूरी तरीके से वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक होने वाली। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर जो है उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। एंड इससे क्या होती है, आपको अंदर से ग्लो मिलता है। तो आप यहाँ पे मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, फेशियल मिस्ट बहुत सारे अफोर्डेबल रेंज में है। गुड वाइब्स का फेशियल मिस्ट आता है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजहिप सिरम मैं आजकल ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी नाइस एज वेल। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस सिरम, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद अपने फेस पे मसाज करेंगे ताकि सर्कुलर मोशन में, ताकि अच्छे से यू नो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। एंड देन मैं यहाँ पे मामाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिसेस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। एंड मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करती हूँ क्योंकि इससे एक्चुअली मेरा ड्राई स्किन है, तो ये सारे प्रोसेस मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करती हूँ ताकि मेरी स्किन में थोड़ा सा यू नो ग्लोई लगे, मैट नहीं लगे, क्योंकि ड्राई स्किन वाले को मैट ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इरिटेटेड लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पे द वन का यहाँ पे पीच परफेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ये और ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करेगा आपको ऊपर से यू नो विदाउट यूजिंग एनी हाईलाइटर। बट मुझे पसंद है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ हाईलाइटर। बट इससे आपको अभी देखो कितना ग्लोई लग रहा है, मेरा स्किन फ्लॉलेस भी लग रहा है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, ये मेरे शेड से तो बहुत एकदम परफेक्ट शेड है मेरे लिए। सो ये ख़त्म होने वाला है, मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ। इसकी फिनिशिंग, इसकी लास्ट फिनिशिंग यू नो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत बड़ा पसंद है। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड करूँगी, धीरे धीरे ब्लेंड करो डैप डैप करके, डोंट रब इसे अच्छी, और डैम्प ज़रूर करना ब्यूटी ब्लेंडर को, तो आपकी जो फेस है वो नहीं लगेगा कि आपने बहुत कुछ चढ़ा रखा है एंड एकदम नेचुरल लगेगा, बट मेकअप भी लगेगा, बहुत अच्छा लगता है अगर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से करते हो, क्योंकि डैम्प ब्लेंडर से ब्लेंड करने से आपका जो स्किन है वो नेचुरल लगता है इसलिए। ओके धीरे धीरे ब्लेंड करो, हल्के हाथों से करना, ठीक है ना, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करो नहीं तो पैची पैची सा हो जाता है। और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से करने से जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होती है वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस वजह से आपकी लुक नेचुरल होती है, मतलब ज़्यादा केकी सा नहीं लगती, ऐसा भी नहीं लगता है कि आपने बहुत कुछ चढ़ा रखा है, यू नो अजीब लगता नहीं है, अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। बस मैं यही कहना चाहती थी, नेचुरल लगना चाहिए तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। ओके नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर है डार्लिंग इज़ाबेला का, मेरा शेड है 01 एंड अफोर्डेबल रेंज में अगर कोई कंसीलर ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ द परफेक्ट वन। एक बहुत ही अच्छा कवरेज मिलता है आपको एंड जिस तरीके से कंसीलर अप्लाई जनरली करना चाहिए मैं उसी तरीके से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे इनर कॉर्नर में जहाँ पे ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है एंड देन अपने आउटर वी में। इस तरीके से आपको इसी शेप में आपको कंसीलर अप्लाई करना चाहिए, दिस इज़ अ परफेक्ट वे टू अप्लाई अ कंसीलर ऑन योर अंडर आइज। एंड अप आइज में भी मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी एंड नेक्स्ट मैं अगेन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड करूँगी एंड देन आप देखना कि किस तरीके से आ जाएगा आपकी आइज़। अगर छोटे छोटे आइज़ है ना तो भी आपकी आइज़ थोड़ा अच्छा लगेगा, विंक लगेगा इस तरीके से कंसीलर अप्लाई करने से। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट, ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। ब्लेंड के ऊपर डिपेंड करती है मेकअप की फिनिशिंग, जितनी अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे टाइम लेके ब्लेंड करो, अच्छे से ब्लेंड करो। देन मैं यहाँ पे बेकिंग कर रही हूँ, बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड का कॉम्पैक्ट लिया है। मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट की मदद से बेकिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो बट एज़ यू नो कि मेरा स्किन ड्राई है सो लूज़ पाउडर मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ जब मैं हैवी आई मेकअप करती हूँ। लाइक मैं इस तरीके से अंडर आइज़ में उस टाइम पे डैप करती हूँ हैवी आई मेकअप के लिए, नहीं तो फॉल आउट होती है, मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ इसको। अदरवाइज़ बेकिंग के लिए मुझे कॉम्पैक्ट ही अच्छा लगता है, इससे मुझे अच्छा फिनिशिंग मिलता है। ड्राई स्किन वाले हो ना तो कॉम्पैक्ट ही यूज़ करो, लूज़ पाउडर नहीं यूज़ करो, नहीं तो आपने जितनी भी मतलब स्किन को ग्लोई बनाने के लिए जितनी भी बेस क्रिएट किया है वो पूरी ख़राब हो जाती है, मैट हो जाती है आपकी स्किन इसलिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पिंकी शेड लिया है जिसको मतलब लाइट पिंक है वो, उसको लेके मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन पे एंड ब्रश की
एंड को पकड़ के हल्के हाथों से विदाउट गिविंग एनी प्रेशर मैंने आपको ब्लेंड करना है. दिस इज़ अ राइट वे टू अप्लाई योर आई शेडो एज वेल. एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. घर के यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ आ सकती है. आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे कलर बॉक्स का काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. एंड मैं थोड़ा सा आई लाइनर की तरह यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक लाइन. मोटा सा लाइन ड्रॉ करना है और ये थोड़ा जल्दी सूख जाती है काजल. तो तुरंत ही मैंने एक ब्लैक शेड लिया है, थोड़ा सा लिया है आई शेडो पैलेट से. मैंने उसको ब्लेंड करूँगी. स्मोकी आईज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ हल्के हाथों से एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से. मैं उसको ब्लेंड करूँगी. पिंक के ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लगता है. सो इस तरीके से आपको करना है, धीरे धीरे ब्लेंड करना है, हल्के हाथों से ब्लेंड करना है. मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड किया. आप फर्स्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, आप धीरे धीरे ब्लेंड करिएगा तो फिनिशिंग अच्छी आती है और टाइम लेके करना. सो इस तरीके से आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से एक सर्कुलर मोशन ब्लेंड करनी है. ब्रश को आपको एंडिंग में पकड़ना है, एकदम फ्रंट में नहीं पकड़ना. फ्रंट में पकड़ोगे ना तो प्रेशर जाएगा, प्रेशर जाएगा तो कलर अच्छे से फैलेगा नहीं और कलर अच्छा आएगा भी नहीं. तो इस तरीके से आप देख सकते हो आई मेकअप एकदम बॉम्ब लग रहा है. आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इनर कॉर्नर हाईलाइट करके, बड़ी अच्छी लगी, मतलब अमेजिंग लगेगी. बट मुझे थोड़ा अलग चाहिए था, अलग अलग मुझे अच्छा लगता है. सो मैं यहाँ पे कंसीलर डिप कर रही हूँ. कट क्रीज काइंड ऑफ कंसील मतलब करना चेक करने की कोशिश कर रही हूँ बट क्रैक कट क्रीज नहीं करूँगी मैं. सो कंसीलर ले रही हूँ. एंड उसके बाद मैंने ये शिमर दो कलर है जिसको मैंने एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश में लेके अपने कंसीलर के ऊपर डैप किया है. हाँ, इस टाइम पे आपको याद रखना है आपको डैप करना है. जिस तरीके से आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हो उस तरीके से डैप करना है प्रोडक्ट को लेके, रब नहीं करना. रब करोगे ना तो इस तरफ से उस तरफ प्रोडक्ट उठ के चला जाएगा लेकिन बैठेगा नहीं, आपको तो बिछाना है ना वहाँ पे. तो इस तरीके से आपको लगाना है. फिर मैं एक लाइट गोल्डन शेड लूँगी जिसकी वजह से आई मेकअप थोड़ा स्पर्कली लगेगा. एंड इसको लेके अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ आईलिड तक, इनर कॉर्नर से आईलिड तक अप्लाई. इनर कॉर्नर में नहीं किया मैंने, मतलब उसी से हाँ आईलिड तक मैं उसको अप्लाई करूँगी. धीरे धीरे आपको डैब डैब करना है, रब नहीं करना है. ब्लेंड करने के बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश फिर से लेके, जो जिसमें हमने ब्लैक शेड लिया था, पिक किया था, उसी ब्लेंडिंग ब्रश को लेना है आपको. लेने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हार्श ना लगे. और दोनों कलर अलग अलग लगाया है, ऐसा फील ना हो, ऐसा लगे कि एकदम नेचुरल है. तो अच्छे से ब्लेंडिंग कर देना है. एंडिंग और फ्रंट जो पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है, उसको एक तरफ से छुपा देना है. दोनों कलर को मिक्स आउट करना है. उसके बाद मैं यहाँ पर आई लाइनर लगा रही हूँ. एक थिन विंग लाइनर आप क्रिएट कर सकते हो, चाहे तो बोल्ड कर सकते हो, बट ब्लैक स्मोकी आई इसमें बोल्ड आई लाइनर अच्छा नहीं लगता है. तो मैंने यहाँ पे थिन आई लाइनर यूज़ किया है. यहाँ पर मैं जेल आई लाइनर से ये विंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ. एंड जेल आई लाइनर लगाना मुझे बड़ी पसंद है, अच्छी लगती है मुझे लगाना. और मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइनर नहीं लिया है क्योंकि मेरी पूरी लुक ब्लैक में है, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग हो जाए. तो मैंने यहाँ पे म्यूज़िक फ्लावर का ब्राउन शेड लिया है, अच्छा लगता है मुझे ये शेड. बट इसमें ना दूर से पता नहीं चलता आपने कौन सा शेड लगाया, ब्लैक या ब्राउन. तो मैं यहाँ पे जो भी एक्सेस पाउडर था उसको डस्ट आउट कर रही हूँ अपनी फेस से, जितनी भी फॉल आउट हुई है वो भी चला जाएगा. देन मैं अंडर आइज़ को यहाँ पे ब्लैक शेड से फिल कर रही हूँ. अंडर आइज़ को हाँ फिल कर रही हूँ ब्लैक शेड से. ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी अंडर आइज़ में, ब्लैक ही अच्छा लगता है. काजल नहीं वेयर करना है क्योंकि आपने ब्लैक शेड लगाया है, इसलिए काजल लगा के भी आप स्मच कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट. बट मुझे आई शेडो से ही अच्छा लगता है क्योंकि वो स्मच नहीं होता है. मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर अप्लाई किया था एंड उसको भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ. अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है, नोज़ पे, चिक बोन पे, फॉरहेड पे एंड चिन पे, जहाँ भी आप कॉन्टोर लगाना पसंद करोगे वहीं वहीं पे लगाने के बाद. और फिर मुझे थोड़ा ये पार्ट अच्छा लगता है, पाउडर कॉन्टोर लेके थोड़ा डस्ट आउट कर देना ताकि कॉन्टोर थोड़ा शार्प लगे. मुझे अच्छा लगता है शार्प कॉन्टोर जब भी आप हेवी मेकअप कर रहे हो, तो ओकेजनली ये करना अच्छा लगता है. तो जब मैं हेवी मेकअप करती हूँ तो मैं ये प्रोसेस, ये पार्ट करती हूँ. और एज यूजुअल ज़्यादा हो गया है तो फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ये ज़्यादा होने के बाद ये अच्छा लगता है. तो उसके बाद मैंने लगा लिया है फॉल्सीज़ जिसकी वजह से आई मेकअप बॉम्ब लग रहा है. उसके बाद हम करेंगे हाईलाइट, जो मेरा मतलब फेवरेट पार्ट है. मैं हर वीडियो में, हर ट्यूटोरियल में बताती हूँ, नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि जितनी भी स्टेप आपने करके आई है ना बेस करने के टाइम पे, तो उसी से आपको ग्लो मिलता है. तो ये नहीं करोगे तो भी स्किप करोगे तो अच्छा लगता है, चलेगा. ओके, सो मैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है मैं वहीं वहीं पे हाईलाइटिंग कर रही हूँ. चिक बोन पे, नोज़ पे, फॉरहेड पे, अपर लिप पे, चिन पे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है. एंड मैं थोड़ा नेक पे कर रही हूँ ताकि कॉलर बोन हाईलाइट हो जाए. सो उसके बाद मैं कर रही हूँ इनर कॉर्नर को हाईलाइट. जिसी हाईलाइट से मैंने चिक बोन्स, नोज़ को हाईलाइट किया, उसी हाईलाइटर को लेके मैंने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट किया लुक को थोड़ा अलग लगाने के लिए. फिर मैं दोनों लिप शेड्स को मिला के अप्लाई करने वाली हूँ एज़ यूजुअल.
सो इस तरीके से मैंने सबसे पहले ये शेड लिया है, फिर मैं जो लाइट शेड है उसको मैं अपनी सेंटर ऑफ द लिप अप्लाई करूँगी, जिसका क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गया है। सो मैंने बता दिया उसको, आप लाइट शेड को मैं सेंटर ऑफ द लिप अप्लाई करूंगी। सो गाइस, आई एम डन विद माय वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक। ये लुक आप कोई भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ, कोई भी यू नो वेस्टर्न काइंड ऑफ साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड दिस लुक सो गुड। इस लुक के साथ आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, अपने हेयर्स को स्ट्रेटन कर सकते हो, कर्ल कर सकते हो, कोई भी पोनीटेल अच्छी लगती है, कभी कभी साड़ी में भी पोनीटेल अच्छी लग जाती है। आप इस साड़ी को कुछ अलग तरीके से ड्रैप कर सकते हो वेस्टर्न वे में। सो दैट्स इट। आपको ये लुक, ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना वीडियो, ताकि उन लोगों को हेल्प मिल जाए इन दिस फेस्टिव सीजन। या I am done with my look. So yeah, bye bye. Take care. Stay blessed.